पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर्स सोलन में भूषण ज्वेलर्स 4 साल से लोगों की पहली पसंद बन गया है। अब आपको चंडीगढ़, दिल्ली, अंबाला जैसे आभूषण सोलन में ही मिल रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि अब सभी लोगों के सोना पहनने का ख्वाब पूरा हो सकेगा। इसके लिए नामात्र जमा पूंजी पर किटी खोलकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भूषण ज्वेलर्स मौका प्रदान करता है और विवाह शादी के ग्राहकों के लिए भूषण ज्वेलर्स द्वारा विशेष उपहार दिए जाते हैं। त्योहारी सीजन में सौभाग्य उत्सव योजना के तहत ग्राहकों को इयोन कार, 5 स्कूटी और ढेरों आकर्षक उपहार दिए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार सुबह सोलन के पुलिस ग्राउंड में रविवार को होने वाले पन्ना प्रमुख सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को उचित निर्देश भी दिए। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में भारत का नाम रोशन किया है, इसके बावजूद भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उन पर अनाप शनाप बयानबाजी कर अपनी घटिया मानसिकता को दर्शा रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस के छोटे नेता, जिन्होंने अभी अभी चलना सीखा है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नक्शे कदम पर चलकर इसी तरह की अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि गलत है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल शानदार व उपलब्धियों भरा रहा है। हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में नई सरकार बनने पर देश के प्रधानमंत्री का शिरकत करना एक बहुत बड़ी बात है। वहीं अब सरकार के एक वर्ष पूरा होने के कार्यक्रम में भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे विश्व नेता के रूप में पूरी दुनिया में उनके खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणियों का इस्तेमाल करके, काफी भाषा का इस्तेमाल करके छोटी मानसिकता का प्रदर्शन किया है और उसको पूरे देश ने स्वीकार नहीं किया है। देश ने उसमें पूरा अपना उस पर विरोध जाहिर किया है। हर जगह जो भी सभ्य आदमी है जो उसको सुनता है वो सोचने पर विवश होता है कि ये कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेवार आदमी, जिम्मेवार नेता बोल रहा है क्या। और यही परिस्थिति मुझे लग रहा है कि उनसे प्रभावित होकर कि ये जो हमारे छोटे नेता हैं जो अभी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किए हैं, तो वो लोग भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी के बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहते, हम कितना कहना चाहते हैं, उनको थोड़ा सही में रखना चाहिए, भाषा पर रखना चाहिए, व्यवहार में रखना चाहिए, वो बात बहुत उपयोगी होगा। अन्यथा बोलने की क्षमता उनमें नहीं है, बोलने की क्षमता हमारे साथियों में भी उनसे कम नहीं, उनसे ज़्यादा है। ऐसी परिस्थिति हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें हों। मुद्दों पर बात कहें और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, पूरा सफलतापूर्वक ये हमारा 1 साल बीता है, काम करते करते बीता है। और जिन आंकड़ों का जिक्र वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में 1 साल के कार्यकाल में काम किया है, उसको हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री, ये भी आज़ादी के इतिहास में पहली बार वक्त देश के प्रधानमंत्री शिमला के रिज के मैदान पर पहुंचे। और जब 1 साल का कार्यकाल पूरा है तो फिर हमको आशीर्वाद देने के लिए देश के प्रधानमंत्री फिर से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सोलन से जय ठाकुर के साथ आदित्य सोफत की रिपोर्ट।